सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गया कर्नाटक में एक दलित आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना मंदिर के तरह सभी लोग मुड़ के जा रहा था सभी लोग अंदर गया मैं राइट लेग ऊपर लेके रखने वाला था अंदर पीछे एक स्वामी जी ये उनको क्यों अंदर लेके जाता है बोला मुरे अरे बाप रे मेरा खान में एक शीश भर गया हमारे साथ रमेश जिजिन के साहब हैं जो कर्नाटका के बीजापुर के संसद हैं और हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था उसको पहले सुन लेते हैं हम कभी उन नेताओं को समर्थन देते हैं जो प्रभावशाली समुदाय जैसे कि लिंगायत के हैं कभी हम गौड़ा साहूकार और पाटिल का साथ देते हैं लेकिन वो कभी भी हमें समर्थन नहीं देते हैं दलित नेता आसानी से पार्टी में सबसे बड़े स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो भाड़ा दुखद ये शब्द थे आपके जब बी वाई विजेंद्रा को येडियोरप्पा के बेटे विजेंद्रा को राज्य के पार्टी अध्यक्ष बनाए गए तो हमारा पहला सवाल ये है कि हर कोई जानता है कि आप पब्लिक में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और जब बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं मतलब सीधे तरीके से बात करते हैं लेकिन आपके बयान में बहुत सारा कड़वापन सुनने को मिला क्या वजह क्या थी इसके लिए कुछ नहीं सर देखो सत्तर बरस से जब भी प्राइम मिनिस्टर बनता है दिल्ली में दलित लोग हाथ हाँ उठाते हैं जिस जिस राज्य में वो जो लोग रहते हैं जब भी मुख्यमंत्री बनता है वो बड़े समाज लोगों के लिए दलित लोग हाथ उठाते हैं जब भी दलित होने का वक्त आता है कोई भी हाथ नहीं उठाता है कितना ये सोचने का बात है आप ही बोलो 75 इयर्स ईयर्स हो गया कर्नाटक में एक दलित आदमी मुख्यमंत्री नहीं बना आजू बाजू राज्य में महाराष्ट्र में आंध्रा में तमिलनाडु में सभी जगह में एक एक दलित मुख्यमंत्री हो गया कर्नाटक का ये क्या है हम तो बोलते हैं बसवन्ना का तत्व बोलते हैं कर्नाटक में वो भी उत्तर कर्नाटक में बहुत प्रभावशाली था एट एट हंड्रेड सेंचुरी में फिर अभी भी वही बोलते हैं लेकिन दलित का विषय आ गया तो ये बड़े समाज के लोग दिल क्यों नहीं बड़ा करते हैं ये बहुत मुझे बुरा लगता है और बीजेपी को कहा जाता है कि वो ब्राह्मण और बनिया पार्टी है ये ये मैं नहीं मान मैं मैं नहीं मानता हूँ सबका पार्टी है सभी जा जात लोग जात पात का लोग है कितनी इसमें माइनॉरिटी लोग भी है क्रिश्चियन भी है दलित भी है बैकवर्ड क्लास भी है मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ ये सिर्फ ब्राह्मण और बनिया का पार्टी होगा बहुत पहले होगा वो भी एक जमाना था पीछे वो ऐसे टाइम में होगा अभी तो नहीं है सभी जात का जात पात का लोग ये भाजपा में आए आपकी क्या राय है ब्राह्मणिज्म के बारे में मेरे बहुत मेरा तो इज्जत है ब्राह्मण लोगों के बाद लेकिन ब्राह्मणीज्म बोलते हैं ना वो थोड़ा वो थोड़ा मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है क्या ठीक नहीं लगता है ये वो वो लोग आइए तो क्या क्या कुछ कुछ करते रहते हैं जब आप एम थे उस समय आपको कुछ मंदिर को को बुलाया गया था और वहाँ आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए छोड़ा नहीं था तो उसके बाद से आप मंदिर जाना ही बंद कर दिया? क्या ये सही बात है जब भी मैंने एटी थ्री में मंत्री हो गया वो हो भी होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका में मंत्री बन गया लोग आए हमारे गांव के हमारे तालुक के हमारे ज़िले के लोग आया साहब देखो हमारा गांव आ जाओ बहुत बड़ा मंदिर का जात्रा है तो यू शुड पार्टिसिपेट इन यात्रा जा, बोला मैंने बोला ठीक है पटेल साहब मैं आता हूँ ठीक वो वक्त पे मैं चले गया मेरे साथ डीसी और एसपी साहब भी थे मैं ही वो लोग गांव गया मोर देन थर्टी फोर्टी थाउजेंड पीपल था वो दिन उतना बड़ा जातर था बहुत मुझे भी खुशी हो गया इतना लोग जम गया वो तो होता है दर्ज नेचुरल बहुत खुशी हो गया जब भी हम मठ के तरह मंदिर के तरह सभी लोग मुड़ के जा रहा था सभी लोग अंदर गया मैं राइट लेग ऊपर लेके रखने वाला था अंदर ही पीछे एक स्वामी जी ये उनको क्यों अंदर लेके जाता है बोला मुरे मरे बाप रे मेरा कान में एक शीश सीस भर गया कुछ भी नहीं दिखाने को तैयार नहीं हो गया काय पाँव उठा के फिर वापस निकल के रखा अरे बाप रे मुझे मन में तभी याद आ गया मेरा माँ का बीस तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स बैक मेरा माँ ने बोला था तुम हम लोग अंदर मंदिर में गया तो हमको पाप लगते हैं बोला था ये आदमी देखो ऐसा बोल दिया हमको ठीक हो गया अंदर जाता तो मुझे पाप लगता था मैं भारी हूँ करके ऐसे लगा मुझे वो दिन से मैं अंदर जाने के क्योंकि जिस दिन तक समाज का मन विशालते विशाल बढ़ता नहीं विशाल होता नहीं तब तक ये रिजर्वेशन देश में भी चाहिए जब थोड़े मंदिरों की बात कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर गए थे दिल्ली में मगर अंदर नहीं गए पूजा बाहर से ही किया तो आप आप क्या समझते हैं? आ, मेरे जैसे मन में अम्मा का मन में भी ऐसे आए होंगे उसके लिए वो भी दूर से भगवान को नमस्ते किया बस मुझे लगता है वैसा